नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट, और ये साथियों हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है छठे प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपलब्ध कराया जा रहा है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, ये पेपर 1 जो कि हिंदी लैंग्वेज में रहता है, और पेपर 2 जो कि GS पेपर होता है। तो साथियों, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए कि नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो आयुष्मान लिखा हुआ है, तो आयुष्मान जो है किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर C में जो मौजूद है इस प्रकार से, आयुष्मान। अगले प्रश्नों को देखें। फिर कहता है अनुगृहित, तो अनुगृहित साथियों कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर A है, अनुगृहित इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। उसके बाद कहता है अनाधिकार, तो अनाधिकार किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो अनाधिकार, ये ऑप्शन नंबर A जो है सत्य है। फिर उसके बाद देखें कहता है अनुसरण, तो अनुसरण में भी इस प्रकार से ये स्व होता है, अनुसरण इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आगे देखें तो आगे है विराट, तो विराट किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो विराट जो है आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से विराट लिखा जाता है। उसके बाद देखें कहता है संधि विच्छेद करने के लिए, तो संधि विच्छेद करते हैं, तो कहा जा रहा है सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ आनंद, हो जाएगा सदानंद। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, रवि में भी हर्षिकर होगा, यानी कि रोआ वो हर्षिकर रवि। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मन योग कौन सा संधि है? तो मन योग हो जाएगा मनह जो योग, यानी कि हलंत आया तो इसका मतलब हो गया कि ये विसर्ग संधि है, विसर्ग आया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कहता है इनमें से, तो हो जाएगा कौन? मनोरथ, मनह जो रथ तो हो जाएगा मनोरथ, यानी कि इसमें जो भी विसर्ग आया तो विसर्ग संधि हो गया। फिर अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तद्रूप, तद्रूप संधि में संधि का प्रकार है, तो ये तद्रूप जो है किस प्रकार का संधि है? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का, ये जो है उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्यास का तत्सम क्या होगा? प्यास जो है तद्भव है, और इसका तत्सम हो जाएगा पिपासा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा शब्द अरबी है? तो अरबी शब्द जो है इसमें से है गिरफ्तार। फिर उसके बाद देखें कहता है तुर्की शब्द कौन सा है? तुर्की भाषा का शब्द, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुर्ता, कुर्ता जो है तुर्की शब्द है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? हो जाएगा पजामा। निम्न में से कौन सा भाषा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा साइकिल, साइकिल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद कहता है समय में कौन सा विशेषण बनेगा? समय से कौन सा विशेषण बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा सामयिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो किसी भी जो विशेषण की विशेषता, यानी कि जो शब्द की संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या हो जाएगा? काला, हरा, नीला, पीला, यह सब जो है विशेषता है। अगले प्रश्नों को देखें। कथा व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द जो है लड़ाई, झगड़ा, भाव, प्रेम, यह सब जो है भाववाचक संज्ञा, यह सब भाव है। अगले प्रश्नों को देखें। कथा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक हो जाएगा ज्योति रोती है, ये अकर्मक है। अगला सवाल देखें। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसका मतलब निजवाचक हो गया, ये जो है अपनी निजी बातों को बता रहा है। अगला सवाल देखें। कहता है मेरा जोर से हंसी, तो मेरा जोर से हंसी इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, मेरा जोर से हंसी। अगला सवाल देखें। कहता है वह बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा लड़का है में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम यानी कि इसमें जो है किस प्रकार का है? तो ये निश्चयवाचक, यानी कि ये निश्चय कर रहा है कि उसने हंसा है, यानी कि वो लड़का बहुत अच्छा है। अगला सवाल देखें। कहता है अनुमान शब्द विशेषण, तो अनुमान शब्द के विशेषण बन जाएगा अनुमानित, अनुमानित हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया,
तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया में क्या हो जाएगा, कहता है इसमें किस प्रकार की क्रिया, तो ये जो है परिणार्थक क्रिया है। अगले सवालों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि ये दिए गए वाक्य में अकर्मक किस में है, तो ये है पानी बरस रहा है अकर्मक है। अगला सवाल देखें, कहता है सुकृत वर्ण से सुंदर है, सुकृत जो है वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है, तो कारक है हो जाएगा अपादान कारक। अगला सवाल, कहता है राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है से मतलब हो गया ये संबंध कारक है, क्योंकि संबंध बता रहा है गाय राम के बीच। अगला सवाल, कहता है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि ये जुदाई अलगाव हो रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है ए राकेश यहाँ आओ, तो ये राकेश यहाँ आओ इसमें हो गया संबोधन, यानी कि पुकारने चिल्लाने या संबोधित किया जा रहा है। अगले सवाल को देखें, कथा है प्रश्न संख्या 30 से 34 के लिए निर्देश दिया गया, निम्न में से चार वाक्यों में तीन त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटि रहित यानी कि शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है, शुद्ध वाक्य को जो है छांट कर इसमें क्लिक करना है, तो शुद्ध वाक्य जो है आपका हो जाएगा कि गीतों की एक पुस्तक जो है ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये शुद्ध है। फिर अगले देखें, तो इसमें कहता है मैं सारी रात जागता रहा, ये जो है शुद्ध है, मैं सारी रात जागता रहा। फिर अगले प्रश्नों को देखें, तो कहता है इसमें कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध यही होगा कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये जो है शुद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, फिर इसमें भी कहता है शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये जो है शुद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, इसमें भी शुद्ध को चुनना है, तो ये हो जाएगा कि मैंने तुमसे कहा था, ये जो है शुद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, प्रश्न संख्या 35 से 40 के लिए निर्देश इस प्रकार से है कि मुहावरे का सही अर्थ चुनना है, तो ये कहता है मुँह से फूल झरना का मतलब है कि मीठा बोलना। अगले सवाल को देखें, कहता है श्री गणेश करना, इसका मतलब हो गया कि प्रारंभ करना। फिर अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 3-13 होना, तो 3-13 होना से मतलब हो गया कि बिखर जाना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी की बिखर जाना। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आसमान टूट पड़ना से मतलब हो गया कि मुसीबत आ जाना। अगला सवाल, कहता है पढ़े फारसी बेचे तेल, ये मुहावरे का अर्थ, तो ये हो जाएगा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना, तो ये हो जाएगा पढ़े फारसी बेचे तेल। अगले प्रश्न को देखें, कहता है गंगा गए गंगादास से मतलब है कि अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 41 से 45 के लिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें से बताना है, उपयुक्त शब्द चुनना है, तो जो इस संसार से भिन्न हो उसे क्या कहेंगे, तो जो इस संसार से भिन्न हो वह हो जाएगा लोकोक्तर। अगला सवाल देखें, कहता है घूम घूम कर जीवन बिताने वाला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यजावर, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला क्या हो जाएगा, यजावर। अगला सवाल देखें, कहता है तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है, तो तीन नदियों का जो संगम है वो कहलाएगा त्रिवेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखें, कहता है शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है, तो शासकीय अधिकारियों का शासन कहलाता है नौकरशाही। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए हो जाएगा चीरकाल। अगला सवाल है कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, तो अप्रत्याशित शब्द में जो है मूल शब्द है आशा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवालों को देखें, कहता है दासत्व शब्द में जो है कौन सा प्रत यानी इसके पीछे जो है कोई भी ऐसा प्रत लगेगा जो कि उसके अर्थ में रूपांतरित ला देगा, तो दासत्व शब्द में जो है पर ये जो है प्रत के हो जाएगा तत्व, यानी कि त्वा प्रत है। अगला सवाल, कहता है 19 में शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है, 19 में जो है ये हो जाएगा उत्परत, ये उक्त उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि पहले लगा हुआ, निस से पहले उत लगाएंगे तो हो जाएगा 19। कथा उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग हैं,
तो उपसर्ग है तो ये हो जाएगा आहार विहार, आहार विहार हो जाएगा उपसर्ग। अगले सवाल को देखें, कहता है प्रत्यय शब्द जो है निर्मित है, प्रत्यय यानी कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से टूटेगा, तो ये हो जाएगा प्रति जोड़ अ हो जाएगा प्रत्यय। वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है, तो अगर वाक्य पूर्ण हो जाएगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, तो हो जाएगा पूर्ण विराम का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राम ने कहा हिंसा मत करो, तो इस जो है कहता है इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये जो चिन्ह आपको दिया गया है ये चिन्ह जो है किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है उद्धरण के चिन्ह में, यानी कि उद्धरण के रूप में चिन्ह में रूप में प्रयोग हुआ। अगला सवाल, कहता वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसके लिए कौन सा प्रयोग हो जाएगा शब्द चिन्ह में, तो अगर लिखते समय कहीं पर जो है छूट जाए तो इसके लिए हम करते हैं त्रुटि चिन्ह का प्रयोग। अगला सवाल देखें, कहता है अजय सुंदर है वह हंसमुख भी है, तो इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरित करना है, तो सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर हो जाएगा अजय सुंदर और हंसमुख है। अगला सवाल देखें, राम आया होगा से मतलब है कि ये जो है संदेह किया जा रहा है कि राम आया होगा। अगला सवाल देखें, कहता है विधिवाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है, तो विधिवाचक वाला वाक्य इनमें से कहता है कौन सा है, तो ये हो जाएगा राधा खाना खाती है। अगले सवाल को देखें, कहता है विद्यार्थी ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, तो रेखांकित जो ये दिया गया है इसका कहता है रेखांकित वाक्य क्या है, तो ये रेखांकित जो है ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगले सवाल को देखें, कहता है अंधविश्वास शब्द में कौन सा समास, तो अंधविश्वास में हो जाएगा कर्मधारय। अगला सवाल देखें, अनुचित में कौन सा समास, तो अनुचित में हो जाएगा अव्ययभी भाव समास। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ऋण मुक्त समस शब्द का विग्रह, तो ये हो जाएगा ऋण मुक्त मतलब हो गया ऋण से मुक्त। अगले प्रश्न को देखें, कहता है साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, साहित्य का इतिहास दर्शन ये कहता है किसका ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा ललित विलोचन शर्मा का। अगला सवाल देखें, कहता है साहित्य हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल के नाम से किसने दिया, तो आदिकाल के नाम से जो है किसने दिया, तो ये दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला सवाल देखें, कहता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक इतिहास के लेखक की बात है, तो यह हो जाएगा डॉक्टर श्री गणपति चंद्र गुप्त। अगला सवाल देखें, कहता है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, नाथ पंथ के प्रणेता जो थे यानी कि इसका स्थापना तो मच्छंद्रनाथ ने किया, लेकिन प्रणेता यानी कि इसका व्यापक प्रचार गोरखनाथ ने किया था। अगला सवाल देखें, कहता है खने खन वसन धोली तन भरई, निम्नलिखित पंक्तियों में कोई किस कवि ने रचना किया है, यानी ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये कवि विद्यापति के द्वारा दिया गया। अगला सवाल देखें, कथा अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, अपभ्रंश का भवभूति तो ये माना जाता है पुष्प दंत को। अगला सवाल देखें, कथा है गद पद मिश्रित चंपू काव्य है, तो ये गद पद जो है मिश्रित चंपू काव्य है, तो ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा वर्ण रत्नाकार। अगला सवाल देखें, कथा है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है जिसकी रचना किसने किया, तो ये है राम कुमार वर्मा ने। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक हैं, तो अब्दुल रहमान के द्वारा जो है कृत ये संदेश रासक क्या है, तो ये जो हो जाएगा खंड काव्य है। अगला सवाल देखें, कहता है भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो ये भविष्यत कहा की रचना किसने किया, तो ये था धनपाल ने। अगला सवाल देखें, कहता है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया, तो मुकरी लिखने की बात है तो यह है अमीर खुसरो। अगला सवाल कहता है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो रासो ग्रंथ जो है ये डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखें, कथा अलवार वैष्णवों की संख्या किससे कितनी है, तो अलवार जो है ये वैष्णव धर्म के थे,
अर्थात विष्णु के उपासक थे, तो ये जो है 12 इसकी संख्याओं थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था भक्ति काल को गिरियर्सन। अगला सवाल देखें, कहता है कमल दल नयनन की उन मानी बिरसत नाही सखी मोमन ते मंद मन मुस्कानी, ये जो है पद की रचना किसने किया है, तो ये किया है किसने, रहीम ने किया है। अगले सवाल को देखें, कहता है द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित किया गया, तो द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य, और विशिष्ट के रामानुजाचार्य, द्वैतों के द्वैत थे निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के शंकराचार्य। अगला सवाल कहता है गंग कवि का जन्मस्थान है, तो गंग कवि का जन्मस्थान इटावा है। अगला सवाल देखें, कहता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये जो है रचना प्रसिद्ध पंक्ति ये जो है रैदास की है। अगले सवाल को देखें, कहता है हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, यह कब से कब तक माना जाता है, तो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है प्राकृतिक व्याकरण। अगला सवाल देखें, कहता है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, तो दूसरा मार्ग क्या था, तो ये जो है किसका कथन है, तो यह कथन की बात है, तो यह हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। इसने कहा कि अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अगला सवाल कहता है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं, तो यह हो जाएगा निर्गुण भक्ति के श्री रामानुजाचार्य। अगला सवाल कथा अद्वैतवाद के प्रवर्तक, तो ये थे शंकराचार्य, जबकि द्वैतवाद के हो जाएगा माधवाचार्य और विशिष्ट को हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला सवाल कथा रैदास किसके गुरु थे, तो रैदास जो है ये थे रामानंद, ये रैदास जो थे ये थे मीराबाई के गुरु, और कबीर के गुरु थे रामानंद, कबीर के गुरु रामानंद और रैदास मीराबाई के गुरु। अगला सवाल कथा है सधुक्करी, ये सुधक्करी भाषा से क्या आशा है, सुधक्करी भाषा से यही आशा है कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वो जो है सुधक्करी भाषा कहा गया है। अगला सवाल देखें, कथा कबीरदास की मृत्यु, तो का जन्म तो वाराणसी में हुआ था ही और मृत्यु मगहर में हुआ था। अगले सवाल को देखें, कथा है संत काव्य नाम किसने दिया, तो संत काव्य नाम कथा है किसने दिया, तो ये दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगले सवाल को देखें, कहता है निराला की जो है जूही की कली उदाहरण है किसका, तो ये निराला के द्वारा लिखा गया था जूही की कली, तो ये कथा है किसका उदाहरण था, तो ये था मुक्त छंद का उदाहरण। अगला सवाल कहता है निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल में। अगला सवाल है कथा है जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो उस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा, यानी कि जिस पंक्ति में प्रयुक्त जो है किसी एक ही शब्द के अनेक यानी एक से अधिक अर्थ होता है एक ही शब्द का, जैसे कनक कनक, तो कनक माने सोना, कनक माने धातुरा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो, ये जो है किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा श्लेष अंतर अलंकार। अगला सवाल कहता है जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा कौन सा अलंकार इसमें, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवाल को देखें, कहता है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न वासाय, इनमें से कथा कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार। अगला सवाल देखें, कहता है कनक कनक ते सौ गुणी मादकता अधिकाय, एक खाए बौरात नर एक पाए बौरात, तो इसमें जो है मीनिंग निकल रहा है एक ही शब्द का नेक, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार, कनक मने धातुरा, कनक मने इसमें स्वर्ण हो गया। अगले सवाल को देखें, कहता है अजो
तरयो न रही सयो, अजो तरयो न ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग। इसमें कहता है कौन सा अलंकार, तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगले सवाल को देखें, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 96 से 100 के लिए, ये ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जो है जवाब देना है। तो जवाब देना है, इसको पढ़ना है आपके अंतर्गत। जैसे अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको सफलता तब मिलती है जब समाज की सहायता करे, समाज उसकी सहायता करे। और जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, मध्यपत और माता क्या करें। जिन घरों, और उसके बाद कहता है जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, मध्यपत और माता स्वरैणी हो, और माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, तो उसके बच्चों को पालने की मानस विष दे दिया है। तो इस तरह से पढ़ना है। और ये पर यहाँ पर सवाल दिया गया है, जैसे कहता है बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। तो अभी आपने पढ़ा था किसके बारे में, माता पिता के बारे में, तो माता पिता का दायित्व प्रथम बनता है। फिर कहता है उपयुक्त गद्यांश के लिए, गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है। तो ये जो है किसके कर्तव्य को माना गया है मुख्य रूप से, तो ये माना गया है राज्य के कर्तव्य को माना गया है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगला सवाल देखें, कहता है स्वरिणी का क्या अर्थ है। स्वरिणी का इसमें कहता है, ये जो है इसमें शब्द में प्रयोग किया गया इस वाक्य में गद्यांश में, इसका अर्थ हो जाएगा बुरा व्यवहार करने वाली, स्वरिणी। अगला सवाल कहता है मानस विष देने का क्या अभिप्राय है। मानस विष देने का अभिप्राय यही हुआ कि अपराधी बना देना। अगला सवाल देखें, कहता है दाल रोटी में कौन सा समास, दाल रोटी लोटा डोरी माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष, ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो साथियों, ये था आज का मुख्य विश्लेषण।